फर्स्ट अफ अल कुरा आरम गाइस फ्याम क्लासरबाट फ्याम क्लासरले एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो जहाँनिर चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो असासियन आर्मीको एन्ड त्यो भिडियोमा उहाँले कुरा गर्नुभएको थियो कि असासियन आर्मीले चाहिँ आफैले कार्डिङ युज गरेर आफ्नो लाइभ स्ट्रिममा आफैले सुपर च्याट गर्नुहुन्छ भनेर एन्ड अरू पनि केही कुराहरू गर्नुभएको छ त्यो भिडियो क्लिप कभी दूसरे बंदे के नाम से। क्या बात था ना कि इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा थी। 2,000, 3,000, 10,000, 20,000 तक के सुपर चैट आया करते थे भाई को, और सभी को ये सब देख के ये लगता था कि यार ये बंदे के कितने फैंस हैं, इसको कितने सुपर चैट मिल रहे हैं, देखो अपना भाई तो कितना पॉपुलर है, अपने भाई के तो डाई हार्ड फैंस हैं। जिस हिसाब से ये बंदे को सुपर चैट मिला करते थे तो उस हिसाब से तो इसे बहुत सारे न्यूज चैनल्स में आ जाना चाहिए था, जो यूट्यूब न्यूज देते हैं उसमें, और भाई की तो चर्चा होनी चाहिए थी। बट कोई न्यूज चैनल ने इसे कवर नहीं किया और ना ही इस पे कोई चर्चा हुआ। जिस हिसाब से ये बंदे को सुपर चैट आया करते थे उसे देख के तो इतना कुछ पता चल गया था कि पीछे तो कुछ झोलझाल है। पहले टाइम देखने पे तो मुझे कुछ ये लगा था कि शायद ये बंदा खुद को सुपर चैट दे रहा है थोड़ा अटेंशन पाने के लिए, बट बाद में मुझे याद आया कि अगर ये खुद से खुद को सुपर चैट देगा तो इसमें तो भैया इसका ही लॉस होगा। एंड इसके बाद तो मुझे पता ही चल गया था कि इसके पीछे कुछ ना तो कुछ झोल जरूर है, क्योंकि उस टाइम पे कार्डिंग वाला भी सीन चल रहा था। तुम्हें पता ही होगा कि किसका, खुद से खुद को सुपर चैट देख के इसका खुद का लॉस होता, क्योंकि भैया यूट्यूब अपने कुछ कट्स रखता है सुपर चैट पे। भाई जिस हिसाब से देखो सुपर चैट आया करते थे ना, तो उस हिसाब से अगर कोई बंदा तेरी वीडियोस को फर्स्ट टाइम देखता और अगर मैं उससे पूछता कि क्या इसको देख के लगता है कि इसे इतने सुपर चैट मिलेंगे, इतना तो मैं श्योर हूं कि वो बंदे का एक ही कहना रहता, ब्रो लौड़ा मेरा। आज तक इसके चैनल पे जितने भी बड़े बड़े सुपर चैट्स आए हैं 10,000, 20,000, 40,000 के, वो सभी सुपर चैट इसने खुद से खुद को किया है। खुद से खुद को किया है मतलब ये नहीं कि इसने खुद के पैसों से किया है, इसको जितने भी सुपर चैट आए हैं सब ज्यादातर कार्डिंग से आए हैं, और ये बंदा कार्डिंग खुद नहीं करता था, किसी से करवाता था ताकि ये पकड़ाया ना जाए। एक सिंपल सा डील होता था इसके और वो कार्डर के बीच में, तो सीन कुछ ऐसा रहता था कि ब्रो मुझे 3,500 रुपए दो और मैं 3,500 के बदले तुम्हें 10,000 का सुपर चैट दूंगा, एंड वो 10,000 रुपए में से यूट्यूब थोड़े से कट्स रखेगा एंड बाकी तुम्हें प्रॉफिट हो जाएगा। यो कुरा पछि यो भिडियोलाई रिप्लाई दिदै असासियन आर्मीले इन्स्टाग्राममा एउटा कुरा पोस्ट गर्नुहुन्छ, जहाँनिर चाहिँ भन्नुभएको हुन्छ यो भिडियो चाहिँ एकदम फेक भिडियो, जति पनि मलाई प्रिया नाम गरेर धेरै धेरै सुपर च्याटहरू आउँथ्यो त्यसको रियल नाम हो शिवराज, एन्ड यो कुरा सबैले थाहा छ। एन्ड यो कुरा पछि फ्याम क्लासरले फेरि पनि केही रिप्लाई गर्नुभयो भने अभियसली म नेक्स्ट भिडियोमा कभर गरेर हजुरहरूलाई अपडेट गराउँछु। अब कुरा आरम गाइस टुबी गेमरबाट, एन्ड रिसेन्टली मैले एउटा भिडियोमा कभर गरेको थिएँ जहाँनिर चाहिँ भनेको थिएँ कि टुबी गेमरले चाहिँ केही टाइमको लागि अब युट्युब लाइभ स्ट्रिम क्विट गर्दै हुनुहुन्छ भनेर। एन्ड फाइनली गाइस हिजो चाहिँ टुबी गेमरले युट्युबमा लास्ट लाइभ स्ट्रिम गरिसक्नु भयो, आजदेखि चाहिँ उहाँ फेसबुक लाइभ स्ट्रिममा सिफ्ट हुँदै हुनुहुन्छ। र इफ तपाईँहरूलाई पनि उहाँको लाइभ हेरेर इन्जोय गर्नु छ भने अभियसली गाइस फेसबुकमा उहाँलाई फलो गरेर तपाईँहरूले उहाँको लाइभ स्ट्रिम इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। अब कुरा आरम गाइस टोन्डे गेमरबाट, एन्ड टोन्डे गेमरले एक दिन अगाडि एउटा भिडियो अपलोड गर्नुभएको थियो जहाँनिर चाहिँ उहाँले कुरा गर्नुभयो त्यो क्ल्यास स्क्वाडमा जति पनि प्लेयरहरू छ टप 100 उनीहरू धेरै जसो ऱ्याङ्क पुस गर्नको लागि ह्याकरहरूसँग खेल्छ भनेर अरू पनि केही कुराहरू गर्नुभएको छ। त्यो छोटो भिडियो क्लिप हेर्नुहोला। कि ग्रैंड मास्टर टॉप 100 के अंदर जो रहते हैं या जो पुश कर रहे हैं सीएस, ठीक है, वो खुद हैकर को लेके खेलते हैं। वो इसलिए खेलते हैं क्योंकि उनसे आगे वाला बंदा हैकर को लेके खेल जाता है और उनको मार देता है। तो अच्छे अच्छे प्लेयर, बढ़िया मतलब बहुत ही बढ़िया खेलने प्लेयर भी हैकर को लेके खेलते हैं, क्योंकि उनके हर एक मैच में, लो मान लो 15 गेम लगा लिया हमने तो 10 गेम तो हैकर ही आएंगे, ऐसा मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आते हैं हैकर, ठीक है। तो अच्छे प्लेयर भी हैकर को लेके खेल रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पे इतने ज़्यादा हैकर का ये रिपोर्ट फीडबैक आ रहा है, इनका आईडी बैन हुआ है। बट ये नया आईडी बनाते हैं, फिर से नया आईडी के साथ आ जाते हैं ये लोग, हैक करके खेल लेते हैं फिर से, ठीक है। तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए फ्री फायर के अंदर, जो हैकर के साथ खेलते हैं उनका रैंक या ड्रॉप होना चाहिए, या कुछ भी स्ट्रिक्ट एक्शन जो हैकर के साथ खेलते हैं उन लोगों पे लेना चाहिए, तब जाके ये हैकर थोड़ा कम होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। एन्ड अल्सो गाइज टोन्डे गेमर पास्टको कुरालाई लिएर केही टाइम अगाडिको लाइभ स्ट्रिममा हल्का इमोसनल हुनुभएको थियो, एन्ड त्यसको रिजन रहेको छ कसैले क्वेसन गरिदिएको हुन्छ कि टोन्डे बाई आफकी जिएफ किद रे भनेर, एन्ड के रिप्लाई गर्नुहुन्छ हल्का इमोसनल हुँदै, त्यो छोटो भिडियो क्लिप हेर्नुहोला। ओके, टोन्डे बाई आफकी जिएफ कहाँ गई है? जिएफ तो शादी करके चली गई ना, दूसरे से शादी कर गई, छोड़ के चली गई यार। अब मतलब रुलाओगे क्या अभी स्ट्रीम में यार गाइस? मतलब
मत याद दिलाओ यार, वो चीज़ें याद मत दिलाओ मेरे को, वो चीज़ें मेरे को याद नहीं करना है अभी के लिए फिलहाल। रब कुरा आरम गाइस देसी गेमर बाट एंड देसी गेमर को लाइव चैट में एउटाले एकदम धेरै स्पैम गरिरहेको हुन्छ कि गोकु फेम को लागि मैले यति धेरै डोनेट गरे उति डोनेट गरे भनेर, एंड वहाँ से लाइक एकदम धेरै एंग्री हुँदै के रिप्लाई गर्नुहुन्छ लाइक सो अफ गरिस तैले भन्दै छोटो भिडियो क्लिप हेर्नु होला। एक सेकेंड ना भाई, देखो अमन भाई तुम जितना भी पे करो बट शो ऑफ मत करो ना, ये भाई मेरे को ये एटीट्यूड अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तुम्हारा चैट डिलीट कर दिया है। तुम जितना भी पे करो हेल्प करो ना, नेकी करो, गरिया में डालो ना। मैंने इतना दिया, उतना डोनेट किया, तुम क्यों सुनाते भाई यार? जिसके पास पैसा नहीं है तो वो तुमसे छोटा है क्या? भाई देखो मेरे को ये सबसे गंदी आदत लगता है, पता है? ये अमन बॉस ऑफिशियल है जी, इतना भाई इसने, तू जितना भी पैसा डोनेट कर ना, कोई बात नहीं है ना, तेरे पास है डोनेट करेगा। इसका मतलब दो चैट जो लोग डोनेट नहीं कर पाते तो उसको पता वो कर रहा है, डिमोटिवेट कर रहा है, पता है? तू अपना पैसे का घमंड दिखा रहा है, तो जो है कर, नेकी कर, दरिया में डाल। ठीक है, ज़्यादा यहाँ पर उछलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे को सुना है क्या फ़ायदा तेरे को, बोल? कोई बंदा बीमार है तू डोनेट कर रहा है, खुद शो ऑफ कर रहा है, शर्म धर्म ही नहीं। यस गाइस, आजको लागि यति नै, एन्ड आई होप कि तपाईँहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो। सो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, र इफ तपाईँहरू हाम्रो च्यानलमा न्यू हुनुहुन्छ र च्यानल अझै पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गरेर साइडमा एउटा घन्टी आउँछ, बेल आइकन छ, त्यसलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन राखिदिनु होला। बिकज तपाईँहरूले त्यति मात्रै गर्नुभयो भने हाम्रो च्यानलमा नेपाली गेमिङ कम्युनिटी र फ्री फायर गेमिङ कम्युनिटीसँग रिलेटेड न्युजहरू फर्स्टमा हाम्रो च्यानलमा डेली अनि रेगुलरली पाउन सक्नुहुन्छ। सो सब्सक्राइब गरेर साइटको घन्टीलाई क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसन अन राखिदिनु होला। सी यु गाइज इन नेक्स्ट भिडियो। पीस, शान्ति। भगवान मनमा विराजमान, मन्दिरमा ढुङ्गा, ज्यान धन आशावान, निराश छन् फुलका ढुङ्गा, झोपडी नसिब नहुने खोपडी, चाहिँ रुन्छ दानमा रोपनी, सडोको भरी हिरा मोती मुङ्गा, कानमा बुझो राखी जुठो, माथि सुत्ने लेके सुन्छ उठ्ने वर्षमा एकचोटि, लुट्ने हर समयमा ज्योति, बिचरा एक्लो मानवता देवता 33 कोटी, धिकारा आफ्नो क्षमता, रमिता जीवन बोकी ठोकी, खोसी आफ्नो भाग्य जिन्दगी सकाउ।